वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पर आप बड़े ही आसान तरीके से, बड़े ही इफेक्टिव तरीके से मुश्किल टॉपिक्स को भी चुटकियों में हल करना सीख जाते हैं। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किस प्रकार से बिना टेंस की जाने हुए कुछ आसान सी ट्रिक्स को फॉलो करके हम एक्टिव पैसिव को बदल सकते हैं, उन्हें बिल्कुल सही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए एक बार फिर से हम इस वीडियो में देखते हैं कि किस प्रकार से एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में बदला जाता है। और इससे पहले कि हम इसे शुरू करें, एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप ही के समान दूसरे स्टूडेंट्स भी इसे देखें और इसके लाभ को प्राप्त कर सके। तो आइए स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं आज हमारे एक्टिव पैसिव की क्लास, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे अलग अलग सेंटेंसेस को हम पैसिव में बदल सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स अफर्मेटिव सेंटेंसेस से, यानी कि साधारण वाक्यों से, सकारात्मक वाक्यों से। मैं यहां पर लिखता हूं AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी साधारण वाक्य। अब स्टूडेंट्स, बड़े ध्यान से आप देखिएगा, जैसा कि हम लोगों ने कुछ टेबल्स और कुछ रूल्स को देखा था और समझा था कि उनको देखकर हम आसानी से अपने वाक्य को बदल सकते हैं। तो यहां पर हम शुरू करते हैं हमारा पहला वाक्य, और यहां आप देखिए लिखा है रोहित लाइक्स, रोहित लाइक्स टू ईट बनाना। स्टूडेंट्स, यहां पर आप इस सेंटेंस को समझिए, यह एक साधारण वाक्य है। यहां लिखा है रोहित जो है सब्जेक्ट, लाइक्स हमारी मेन वर्ब है, और टू ईट जो है यह एक इन्फिनिटिव है, और बनाना ये हमारा ऑब्जेक्ट है। यह सब्जेक्ट है, यह हमारी मेन वर्ब है, और यह हमारा इन्फिनिटिव है। हम इसे देखते हैं, यहां पर हम यहां पर पाते हैं कि ये हमारे वाक्य में एक प्रकार का एक टॉपिक आ गया है ग्रामर का, इन्फिनिटिव। अब नियम के अनुसार, जैसा कि हमने कल नियम देखे थे, और नियम कहता है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे। तो इस नियम के अनुसार हम देखते हैं कि हमारे वाक्य का ऑब्जेक्ट है बनाना। तो हम इसे अब लिखेंगे, अब टेबल के अनुसार यहां हम पाते हैं कि वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है। और हम यदि अपने टेंस की टेबल को देखें, तो हमने कल सीखा था जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या उसके साथ में एस या ईएस दिया गया हो, तो हम उसे इज, आर या एम में बदल देंगे। तो इस नियम के अनुसार अब यह हम पाते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस दिया गया है, तो इसलिए अब हम बनाना, जो कि हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके अनुसार इसका प्रयोग करते हैं। अब यहां मुख्य वर्ब जो है उसकी हमेशा हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, लाइट में इसे हम बदल देंगे, और जो इन्फिनिटिव है उसे एज इट इज लिख देंगे, टू ईट। अब नियम कहता है सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और ऑब्जेक्ट से पहले बाय का प्रयोग किया जाएगा, और अब हम यहां पर जो सब्जेक्ट है रोहित उसे ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम अपने एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में बदल देते हैं।
आई होप आपको ये समझ में आया है। आइए एक और एग्जाम्पल से इसे बड़े ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। यहां हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर टू, लिखा है पीपल ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग। यहां हम देखते हैं हमारे वाक्य में पीपल जो है वह सब्जेक्ट है, ड्रिंक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टी ऑब्जेक्ट नंबर वन है और इन द मॉर्निंग ऑब्जेक्ट नंबर टू है। हम नियम की बात करते हैं, एक बार फिर से नियम देखते हैं और नियम कहता है यदि वाक्य में एक से अधिक प्रोनाउन हो, यदि वाक्य में एक से अधिक ऑब्जेक्ट हो तो हमेशा पहले ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। हमारे वाक्य में हमने देखा यहां पर दो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट नंबर वन जो है टी और दूसरा ऑब्जेक्ट नंबर टू जो कि है मॉर्निंग। तो हम ऑब्जेक्ट नंबर वन को सब्जेक्ट बना लेंगे, ऑब्जेक्ट नंबर वन को सब्जेक्ट बनाएंगे और लिखेंगे टी। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वापिस से नियम के अनुसार जैसा अभी हमने देखा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इज एम आर में बदलेंगे और टी के साथ हम हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म, ड्रैंक सेकंड और ड्रिंक ड्रैंक और ड्रंक थर्ड फॉर्म इसका प्रयोग कर देंगे। यहां लिखा जाएगा ड्रंक। अब जो ऑब्जेक्ट नंबर टू दिया गया है उसे हम इस वाक्य में लिखेंगे इन द मॉर्निंग और इसके बाद हम यहां पर फुल स्टॉप लगा देंगे। देखिए स्टूडेंट्स यहां पर ध्यान दीजिए, जो सब्जेक्ट दिया गया है पीपल वह अननेसेसरी सब्जेक्ट है और जैसा कि हम जानते हैं हमने कल रूल में देखा था कि यदि वाक्य में अननेसेसरी सब्जेक्ट दिया गया है तो उसे ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। और आप देख सकते हैं यहां पर पीपल शब्द जो है उसे हमने अननेसेसरी सब्जेक्ट कैटेगराइज किया है, इसलिए अब हम यहां उसे ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। और इस प्रकार जब हमारे वाक्य के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं बनता है तो हम बाय का भी प्रयोग नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कितनी आसानी से हम इन शब्दों को, इन रूल्स को याद करके इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। आइए एक और सेंटेंस समझते हैं और हम देखते हैं कि किस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब के आने पर हम वाक्य को बदलेंगे। यहां पर एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, शी हैज गिवन मी हर बुक। तो देखिए स्टूडेंट्स यहां पर सब्जेक्ट है हमारा शी हैज, हेल्पिंग वर्ब दी गई है, वर्ब की जो फॉर्म है वो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म यहां पर हमें दी गई है और मी है ऑब्जेक्ट नंबर वन और हर बुक है ऑब्जेक्ट नंबर टू। अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट नंबर वन को नियम के अनुसार हम लेकर आते हैं और उसे सब्जेक्ट बनाते हैं। यहां हम देखते हैं कि जो मी है वह हमारा प्रोनाउन है और जब हम प्रोनाउन को सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसका पहला रूप लिखा जाएगा। तो हम मी को जब प्रोनाउन को सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसका हम आई में बदलेंगे, जैसा कि हमने कल प्रोनाउन टेबल को देखते हुए समझा था। यहां आप देख सकते हैं कल हमने देखा था कि आई को मी में और मी को आई में हम बदलेंगे। तो इस प्रकार से जब हम हमारे वाक्य में देखते हैं कि वहां पर मी है तो उसे आई में बदलेंगे। अब उसी टेंस की टेबल के अनुसार हैज को हैज बीन में बदल देंगे, हैव बीन में बदल देंगे, हैव बीन। अब की बार हम हैव बीन लगाते हैं क्योंकि हमारे वाक्य का जो सब्जेक्ट है वह प्लूरल है,
यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमने टेंस चेंज नहीं किया है, केवल हमने हेल्पिंग वर्ब को बदला है, क्योंकि शी सिंगुलर है इसलिए हैज दिया गया था, और आई जो है वो प्लूरल यानी बहुवचन है, इसलिए हमने यहाँ पर हैव का प्रयोग किया है, और टेबल के अनुसार साथ में बीन भी लगाया है। अब नियम के अनुसार हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, जो पहले से ही हमारे वाक्य में हमें दिया गया है, गिवन। और अब जो ऑब्जेक्ट नंबर टू है उसे हम लिख देंगे, हर बुक। और अब देखिए यहां पर जो सब्जेक्ट है वह भी प्रोनाउन है, और जब हम प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसका तीसरा रूप लगाएंगे। जिस प्रकार से हमने मी का पहला रूप आई लगाया है, उसी प्रकार जब शी जो कि हमारा सब्जेक्ट है उसे हम जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसका तीसरा रूप यानी कि शी हर 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 लगा देंगे, और यहां पर ऑब्जेक्ट से पहले बाय शब्द भी लगेगा, और इस प्रकार से हम अपने अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बड़े ही आसानी से इन ट्रिक्स के माध्यम से बदल सकते हैं। तो देखा स्टूडेंट्स आपने कितने आसानी से हम इन सेंटेंसेस को चेंज करते हैं। आइए आगे हम देखते हैं और किस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस के होने पर हम इसे बदलेंगे। अगला जो हमारा सेंटेंस है वह है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंसेस के होने पर हम नॉट का नॉट को देखेंगे। देखिए एक वाक्य हम लोग यहां देखते हैं, शी डिड नॉट चेंज हर नेम। देखिए स्टूडेंट्स यहां पर हमारे वाक्य में अब की बार नॉट आया है, अर्थात हमारे वाक्य में हमारा दिया गया वाक्य नॉट है, ये हमारा सब्जेक्ट है, यह हमारी हेल्पिंग वर्ब, यहां पर नॉट दिया गया है, यह हमारी मेन वर्ब है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इस वाक्य में केवल ऑब्जेक्ट एक ही है, और इस ऑब्जेक्ट को अब हम सब्जेक्ट बना देंगे। तो अब की बार हम हर नेम पूरे को साथ में लेकर आएंगे। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, हम पहले प्रोनाउन को तीसरे में और तीसरे को पहले में बदलेंगे। हम पजेसिव प्रोनाउन अर्थात जो बीच में है उसको कभी भी नहीं बदलेंगे। तो यहां पर हम हर नेम साथ में लेकर आए हैं। अब हम देखते हैं टेबल के अनुसार डिड को जब हम देखें टेंस की टेबल में, जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि डिड को हम वॉज या वर में बदलेंगे। वॉज या वर जो है वह सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वॉज लगाएंगे, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है बहुवचन है तब हम वर का प्रयोग करेंगे। हम देखते हैं हर नेम सिंगुलर है इसलिए हम यहां पर वॉज लगा देते हैं। साथ ही साथ वाक्य में नॉट आया है इसलिए उसे वहीं पर रखेंगे, और अब नियम के अनुसार हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यहां पर चेंज जो है फर्स्ट फॉर्म है, हमें इसका थर्ड फॉर्म लगाना है, सी एच ए एन जी ई डी। तो स्टूडेंट्स देखा आपने, इसकी थर्ड फॉर्म को हमने यहां लगा दिया है, और अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे वाक्य का सब्जेक्ट है शी। जैसा कि पिछले वाले वाक्य में हमने देखा था, शी का तीसरा रूप हम यहां लगाएंगे, और तीसरा रूप होता है हर। तो ऑब्जेक्ट से पहले बाय भी लगाना जरूरी है, हम बाय लगाएंगे, और इस प्रकार से बड़े ही आसान तरीके से यह नेगेटिव सेंटेंस भी हमने क्लियर कर लिया। आइए एक और सेंटेंस की तरफ हम देखते हैं, एक और सेंटेंस हम समझते हैं कि किस प्रकार से उसे सॉल्व किया जा सकता है। लिखेंगे, दे वर नॉट सेलिंग फ्रूट्स, दे वर नॉट सेलिंग फ्रूट्स। अब यहां पर स्टूडेंट्स देखिए, दे जो है सब्जेक्ट है, वर हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव वर्ड है, सेलिंग मेन वर्ब, और जो फ्रूट्स है वह ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को
हम अब सब्जेक्ट में बदलेंगे। अभी इस वाक्य में हमारा सब्जेक्ट दे है, अब इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में जब हम बदलेंगे तो हम लिखेंगे फ्रूट्स। अब वाज वर्ब को टेबल के अनुसार वाज वर्ब प्लस बीइंग में हम बदल देते हैं। देखिए टेबल के अंदर हम देखते हैं वाज या वर आने पर उसे वाज वर्ब प्लस बीइंग में बदलेंगे, तो हम पाते हैं कि हमारे वाक्य में वाज वर्ब वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे। यहां पर हमारे वाक्य का सब्जेक्ट फ्रूट्स है, तो हम यहां पर बहुवचन लिखेंगे। अब साथ में लिखेंगे नॉट, और अब जो इसका दूसरा हिस्सा अर्थात हमारी हेल्पिंग वर्ब का जो दूसरा हिस्सा है उसे हम लोग यहां लिख देंगे BEING बीइंग। याद रखिए स्टूडेंट्स, जब भी आपके सामने इस प्रकार के वाक्य आते हैं अर्थात नेगेटिव, इंटरोगेटिव या WH, तब हम इन दो टुकड़ों को हेल्पिंग वर्ब से बन के दो टुकड़े हैं इन्हें अलग अलग कर देंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं और उसी नियम से हम इसको सॉल्व करते हैं। आगे वाले वाक्य में हम देखते हैं सेलिंग शब्द दिया गया है और सेलिंग का हमें थर्ड फॉर्म यूज करनी है। सेलिंग की थर्ड फॉर्म होती है सोल्ड, यहां हम लिखेंगे सोल्ड। और अब यहां पर अपने वाक्य को हम फिर से अंत कर देंगे, क्योंकि जो दे दिया गया है वह फिर से एक अननेसेसरी सब्जेक्ट है और अननेसेसरी सब्जेक्ट को हम अपने वाक्य में ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखेंगे। और जब ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाएगा तब बाय शब्द भी नहीं लिखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसका एक और एग्जांपल हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हम कैसे इसे बड़े ही आसान ट्रिक से सॉल्व कर लेंगे। देखिए वाक्य लिखा है कोमल इज नॉट टीचिंग मी अ लेसन। यहां पर इस वाक्य के अंदर हम देखते हैं कोमल जो है वो सब्जेक्ट है, हमारा हेल्पिंग वर्ब है इज, नॉट एक नेगेटिव वर्ड है, टीचिंग हमारी वर्ब इस वाक्य की मुख्य क्रिया है, और ऑब्जेक्ट नंबर वन है मी और ऑब्जेक्ट नंबर टू है अ लेसन। हम ऑब्जेक्ट नंबर वन पर आते हैं, मी को उठाएंगे और उसे सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, तो यहां पर आ जाएगा आई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हेल्पिंग वर्ब है इज, इज को हम इज आर एम प्लस बीइंग में चेंज करेंगे और साथ में ही नॉट भी लगाएंगे। तो आई के अनुसार अब हम यहां पर एम लगाएंगे और साथ में नॉट को तीसरे नंबर पर रख देंगे और बीइंग का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए अब यहां वर्ब है टीच जिसमें आईएनजी लगा है और इसकी थर्ड फॉर्म हम लगाएंगे और इसकी थर्ड फॉर्म होती है टॉट, टी ए यू जी एच टी, टॉट। और अब आगे बढ़ेंगे और जो शब्द हमारे वाक्य में है यानी ऑब्जेक्ट नंबर जो टू है उसे अब हम अपने वाक्य में लिख देंगे ए लेसन। और अब जो सब्जेक्ट दिया गया है उसे अब हम ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे और उससे पहले बाय का प्रयोग करेंगे, तो बनेगा बाय कॉमल। और इस प्रकार से हमारे वाक्य में पैसिव बन चुका है। तो देखा स्टूडेंट्स किस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंसेस को बड़े ही आसान तरीके से हम बना सकते हैं, लिख सकते हैं, केवल कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स का फॉलो करके। आइए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम किस प्रकार से लिखेंगे। यहां पर मैं हेडिंग लिखता हूं आपके लिए इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और जिनके एंड में क्वेश्चन मार्क दिया गया होता है। देखिए इन वाक्यों को भी हम बड़े ही आसान तरीके से बनाना सीखेंगे। देखिए लिखा है विल ही
ask her a question, और अंत में क्वेश्चन मार्क आ गया है। यहां पर हमारे वाक्य में विल जो है मॉडल है, जो कि हेल्पिंग वर्ब की तरह कार्य कर रहा है। आगे देखते हैं, ही जो है हमारा सब्जेक्ट है और यहां मेन वर्ब के रूप में आस्क दिया गया है। इस वाक्य में भी हमें ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू दिए गए हैं। तो इस प्रकार से हम जानते हैं जब दो होंगे, जब दो ऑब्जेक्ट होंगे तो हम पहले वाले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। पहले वाला ऑब्जेक्ट हमारा हर है, जो कि हम जानते हैं एक प्रोनाउन है, और प्रोनाउन को हम जब भी सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसका सब्जेक्टिव फॉर्म लेंगे। जैसा कि हमने समझा है पहले से भी, प्रोनाउन यहां पर हमने देखा हर है, और हर को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसका सब्जेक्टिव यानी कि पहला रूप यानी कि शी का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो हम इस प्रकार से अपने वाक्य को देखेंगे और शी लिख देंगे। सब्जेक्ट पहले लिखने का रीजन सिंपल सा है कि हमें अब हेल्पिंग वर्ब लगाने में आसानी हो जाती है। यहां पर हेल्पिंग वर्ब हमें दे रखी है विल, और विल को हम बदलेंगे विल प्लस बी के अंदर, विल प्लस बी के अंदर। वापस से हम जानते हैं विल क्या है, मॉडल है, और ये मॉडल को जब पेसिव में बदला जाएगा तो विल प्लस बी लगेगा। क्योंकि यह एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम इन दोनों टुकड़ों को क्या करेंगे, अलग कर देंगे। इसके बाद में हम उसी मेथड को फॉलो करते हुए बाकी का सेंटेंस बनाते हैं। यहां देखिए आस्क, और आस्क की थर्ड फॉर्म क्या होती है, आस्क की थर्ड फॉर्म होती है आस्क। आई होप आप सब ने थर्ड फॉर्म याद कर ली होंगी, नहीं की है तो स्टूडेंट्स करना शुरू कर दीजिए, इस टॉपिक में हमें बड़ी जरूरत पड़ने वाली है। आगे देखिए हम पाते हैं वाक्य में लिखा है अ क्वेश्चन, जो कि ऑब्जेक्ट नंबर टू है, उसे हम एज इट इज लिखेंगे, और इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं करना है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो है सब्जेक्ट वो है प्रोनाउन, और जब प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा तो उसका भी हम लोग तीसरा रूप लिखेंगे, यानी कि ही का तीसरा रूप लिखेंगे, और उससे पहले हम लगाएंगे बाय, और ही का तीसरा रूप होता है हिम, और अंत में जैसा वाक्य में दिया गया है क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स देखिए इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्यों को भी बड़े आसानी से समझा जा सकता है। केवल एक बदलाव किया गया है कि जो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में दी गई थी उसे अब की बार हमें पहले दिया गया है, तो हम उसके स्थान को परिवर्तित नहीं करेंगे, केवल उसे पहले ही रखकर उस टेबल के उस ट्रिक के अनुसार बदल देंगे। आइए एक और वाक्य देखते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से हम यदि वाक्य में नॉट आ जाए, इन वाक्यों में जब नॉट आ जाता है तो किस प्रकार से इसे सॉल्व किया जा सकता है। लिखेंगे देखो, हैड वी नॉट गिवन देम ए पिक्चर। देखिए स्टूडेंट्स, अब की बार हमें वाक्य में नॉट मिला है, हमारा वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, इसलिए अब हम देखेंगे कि नॉट आने पर इसे कैसे बदला जाएगा। यहां पर हमारी हेल्पिंग वर्ब दी गई है, यहां हमें सब्जेक्ट मिला है, यह हमारा एक नेगेटिव शब्द है, गिवन मेन वर्ब है, और ऑब्जेक्ट नंबर वन और ऑब्जेक्ट नंबर टू दिया गया है। हम हमेशा ऑब्जेक्ट नंबर वन को सब्जेक्ट के रूप में लेकर आएंगे, लिखेंगे दे। जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं टेबल के अनुसार देम का जो पहला रूप है वह क्या होता है, दे होता है, तो हम इसे लेकर यहां पर आएंगे, और अब हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है हैड उसे हम लोग चेंज करेंगे। नियम के अनुसार हैड को हैड बीन में बदला जाता है। तो हम देखते हैं हमारे वाक्य में एक नेगेटिव वर्ड है, और नेगेटिव वर्ड को यानी नॉट को हम यहां तीसरे नंबर पर रखेंगे, अर्थात बीन जो है
वह अब आगे आ जाएगा। हमेशा ध्यान रखना है, यह जो टुकड़ा है हमेशा मेन वर्ब से पहले आना चाहिए, मेन वर्ब के बाद में हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। अब देखिए गिवन जो है वो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म यहां पर दी गई है, तो हम उसी को लिख देते हैं और अब आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि हम करते आए हैं ऑब्जेक्ट नंबर में किसी तरह का कोई परिवर्तन न करते हुए एज इट इज उसे लिख देंगे, ए पिक्चर। और अब देखते हैं सब्जेक्ट के बारे में, यहां पर हम सब्जेक्ट जो है पाते हैं कि वी दिया गया है, और वी क्या है, एक अननेसेसरी सब्जेक्ट है जिसे हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। और जब ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तो हमारे वाक्य में हम बाय का प्रयोग भी नहीं करेंगे। इस प्रकार से दिया गया वाक्य हम यहीं पर समाप्त कर देते हैं। आइए एक सेंटेंस और समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखते हैं अगले तरह का वाक्य क्या लिखा है। यहां है आर सम पीपल नॉट लिसनिंग यू। यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, हमारे वाक्य में आर जो है वो हेल्पिंग वर्ब दी गई है, सम पीपल जो है वो सब्जेक्ट है, नॉट एक नेगेटिव वर्ड दिया गया है, लिसनिंग मेन वर्ब दी गई है, और यू जो है वो ऑब्जेक्ट नंबर वन है। इस वाक्य में केवल एक ही ऑब्जेक्ट है। अब इसी ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे। तो यू को सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसका पहला रूप लिखा जाएगा और वो क्या है, यू ही होता है। अब हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में। हेल्पिंग वर्ब देखिए आर दिया गया है, ए आर ई आर, और हमने देखा था कि जब हमारे वाक्य में हेल्पिंग वर्ब आर हो तो हम उसे इज आर एम प्लस बीइंग में बदल देंगे। अर्थात यहां पे जो हमें दिया गया है, शब्द दिया गया है, उसे हम आगे करेंगे और देखेंगे कि हम किस प्रकार से उसे बदलेंगे। इस आर एम को सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, सब्जेक्ट है हमारा यू, और यू को के साथ में लिखेंगे आर, ए आर ई आर। अब की बार नॉट फिर से दिया गया है तो नॉट को हम तीसरे नंबर पर रखते हैं और साथ ही साथ जोड़ते हैं बीइंग, बी ई आई एन जी, बीइंग, और लिसन की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे जो कि होता है लिसन, एल आई एस टी ई एन ई डी, लिसन। और अब देखिए यहां पर स्टूडेंट्स सम पीपल दिया गया है, सम पीपल को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बाय सम पीपल। देखिए अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। हमने अननेसेसरी शब्द में देखा था कि पीपल शब्द दिया गया था, अननेसेसरी शब्द हमने रूल के अनुसार देखे थे, वहां पर दिया गया। देखिए अननेसेसरी सब्जेक्ट्स जो हैं उनमें पीपल शब्द दिया गया है, लेकिन पीपल शब्द दिया गया है लेकिन सम पीपल अननेसेसरी नहीं होता है। पीपल अननेसेसरी, सम पीपल, फ्यू पीपल, ये अननेसेसरी शब्द नहीं है, इसीलिए हमने अपने वाक्य में ऑब्जेक्ट को बनाया है, इसी प्रकार से यहां पर इसका प्रयोग किया गया है। आपको समझ में आया होगा, बड़ी आसान तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हम डब्ल्यू एच सेंटेंसेस को आने पर चेंज करेंगे। देखिए डब्ल्यू एच वर्ड सेंटेंसेस, अब स्टूडेंट्स समझिए जितने भी डब्ल्यू एच शब्द हैं, अर्थात वो शब्द जो डब्ल्यू एच से शुरू होते हैं, उन्हें हम डब्ल्यू एच में ही बदल देंगे, लेकिन केवल दो ऐसे शब्द हैं जो इस नियम का पालन नहीं करते हैं, इस नियम से अलग हैं। उनके लिए वो कौन कौन से शब्द हैं हम लोग यहां देखते हैं। पहला शब्द है हु का, स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, हु को हम बाय हुम में बदलेंगे, हु को हम बाय हुम में बदलेंगे,
और दूसरा जो शब्द है वह है whom, whom को हम who में बदल देंगे। ये दो ऐसे शब्द हैं जो आपस में नहीं बदलते हैं बल्कि चेंज कर दिए जाते हैं, शेष सभी WH शब्द आपस में ही बदल जाते हैं। ये किस प्रकार होगा देखिए, हम बड़े ही आसान तरीके से इसे समझने का प्रयास करते हैं। पहला लिखते हैं Why did he ask my name? यहां पर हम देखते हैं हमारा सेंटेंस जो है वो WH से शुरू होता है और जैसा कि हम जानते हैं ये WH फिर से WH में ही बदल दिया जाएगा। इस प्रकार से हमने इतना वाक्य हमारा कर लिया। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, यहां का जो वाक्य है यानी डिड से जो वाक्य शुरू हो रहा है यह वही वाक्य है जो अभी अभी हमने किया, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। यहां हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब है, यहां सब्जेक्ट है, ये हमारी मेन वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट दिया गया है। हम ऑब्जेक्ट को अपना सब्जेक्ट बनाएंगे माय नेम, और अब डिड को हम टेबल के अनुसार उस सारणी के अनुसार देखते हैं तो हमें पता लगता है कि डिड को हम वॉज या वर में बदलेंगे। यहां पर वॉज या वर जो है सब्जेक्ट के अनुसार आएगा और हम पाते हैं कि हमारे वाक्य का सब्जेक्ट जो है वो एक वचन है और एक वचन के साथ में हम वॉज लगाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा वाक्य का सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब आ चुका है। तीसरी बात जो हमें करनी है वो ये कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हमें लगाना है। आस्क की थर्ड फॉर्म आस्क होगी और इस प्रकार से वाक्य में मेन वर्ब भी आ चुकी है। और अब हम देखते हैं कि हमारे वाक्य में जो सब्जेक्ट है वह प्रोनाउन है और हम जानते हैं कि प्रोनाउन का सदैव तीसरा रूप लगाया जाता है, जैसा कि अभी तक हम करते आए हैं। ही का तीसरा रूप लगाएंगे और उससे पहले बाय लगेगा। ही का तीसरा रूप हिम, वेरी गुड, आप सबको अब याद हो चुका है। तो इस प्रकार से हमारा ये पहला WH वाक्य आपने देखा। चलिए एक और वाक्य हम समझते हैं WH का और उसके बाद हम आगे बड़े आसान तरीके से इसे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए लिखते हैं हाउ कैन यू रीड दिस बुक और अंत में क्वेश्चन मार्क दिए गए वाक्य में देखिए हाउ शब्द है। अब ये हाउ शब्द एच से शुरू है लेकिन स्टूडेंट्स इसे भी हम WH का ही रूप मानेंगे क्योंकि इनके द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये WH शब्द है, फिर हमारे वाक्य में सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब दी गई है, यहां हमें सब्जेक्ट मिला है और ये हमारे वाक्य में मेन वर्ब है और साथ ही साथ अंत में ऑब्जेक्ट दिया गया है। हम सबसे पहले इस WH को इसी में बदल देंगे और आगे बढ़ेंगे, सब्जेक्ट को पहले ले आएंगे। दिस बुक हमारा ऑब्जेक्ट जिसे अब हम सब्जेक्ट मान चुके हैं, इस प्रकार से दिस बुक सब्जेक्ट बन गया है। और अब हम देखते हैं हमारे वाक्य में कैन दिया गया है, कैन हमारे वाक्य का क्या है मॉडल है और मॉडल के साथ में हम हमेशा बी लगाते हैं, जैसा कि हमने कल भी टेबल में देखा था। देखिए कैन के साथ में हम बी का प्रयोग करते हैं तो हमारा वाक्य बनेगा कैन बी। देखिए अब इसके अनुसार हम यहां लगाएंगे कैन और साथ में ये जो टुकड़ा है इसे हम बाद में लेकर आएंगे। अब वर्ब देख रखी है यहां पर रीड फर्स्ट फॉर्म और इसकी थर्ड फॉर्म हमें लगानी है जो कि होती है रेड। स्पेलिंग समान है लेकिन उच्चारण यानी कि प्रोनंसिएशन का तरीका बिल्कुल अलग है। फर्स्ट फॉर्म होने पर इसे रीड पढ़ेंगे और थर्ड फॉर्म होने पर इसे रेड पढ़ेंगे। अब जो सब्जेक्ट है उसे अब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट से पहले बाय का प्रयोग किया जाएगा, बाय यू, और अंत में
समाप्त करेंगे क्वेश्चन मार्क लगा के। इस प्रकार से आपने देखा कि किस तरह से हम इन शब्दों को समझ सकते हैं। आइए अब बात करते हैं हु की। यहां पर एक वाक्य में आपके सामने लिखता हूं, हु हेल्प्ड देम, और अंत में क्वेश्चन मार्क लिखा गया है। देखिए नियम के अनुसार हु को हम बाय हुम में बदलेंगे, तो ये बन जाएगा बाय हुम। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर इस वाक्य में ना तो सब्जेक्ट दिया गया है और ना ही कोई हेल्पिंग वर्ब दी गई है, इसलिए अब हम फोकस करते हैं मेन वर्ब पे। ये हमारे वाक्य की मेन वर्ब है और ये हमारे वाक्य का ऑब्जेक्ट है। अब नियम के अनुसार हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, तो जब इसे सब्जेक्ट बनाएंगे तो देम का पहला रूप लगाया जाएगा, तो देम का पहला रूप होता है दे। और अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहां पर वर्ब हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो मेन वर्ब के ऊपर फोकस किया जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और वर्ब की सेकंड फॉर्म आने पर देखिए टेबल क्या कहती है, नियम क्या कहता है। बड़े आसान सा नियम है, बड़ी आसान सी ट्रिक है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म होने पर हम वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे। जब हमारे वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई होगी तो हम वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं, और वाज या वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार दिया गया होगा। सब्जेक्ट क्या है, दे, यानी कि प्लूरल है, बहुवचन है, और बहुवचन के साथ में हम वर्ब लगाएंगे। ये हो गया। अब यहां पर हम देखते हैं हेल्प की थर्ड फॉर्म लगानी है, ये जो है सेकंड है और यहां पर हम लगाएंगे थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाकर इसे समाप्त कर देंगे। तो देखा स्टूडेंट्स आपने किस प्रकार से बिना सब्जेक्ट के भी हम अपने वाक्य का पेसिव बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और एक और वाक्य हम लोग देखते हैं जो कि होम से जुड़ा हुआ है। हम लिखते हैं हु होम डू यू लाइक, और यहां पर हम देखते हैं हमारे वाक्य में WH शब्द है होम, ये हमारा वाक्य का हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारे वाक्य का सब्जेक्ट है, और ये हमारे वाक्य का मेन वर्ब है। इस वाक्य में देखिए स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यदि हमारे वाक्य होम से शुरू है और उसे उसमें ऑब्जेक्ट भी दिया गया है, तब हम भी हम इसी प्रकार से अपने वाक्य की शुरुआत करेंगे। देखिए होम को हम बदलेंगे हु में, अब सब्जेक्ट है हमारा यू और हमारी हेल्पिंग वर्ब है डू, ठीक है। अब हम डू या डज को टेबल के अनुसार इज एम आर में बदलते हैं। याद रखिए जब भी हमारा वाक्य हु से शुरू हो तो उसमें सब्जेक्ट नहीं दिया जाएगा। जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया था, जब सब्जेक्ट ना दिया जाए तो आप हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो इज आर एम में से सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हमारी है इज, तो हम यहां पर इज लगा देंगे। अब शेष नियम, शेष पूरा प्रोसेस उसी तरह से है जैसा हम करते आए हैं। आगे मेन वर्ब दी गई है और इस मेन वर्ब का हमें थर्ड फॉर्म लगाना है, तो इसकी थर्ड फॉर्म होती है लाइक्ड, एल आई के ई डी, लाइक्ड। और अब देखिए सब्जेक्ट जो हमारा यू है उसे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और ऑब्जेक्ट से पहले आप सभी जानते हैं हम बाय लगाएंगे, और इसका तीसरा रूप यू योर यू तीसरा रूप लगाएंगे जो कि यू ही होता है, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाकर इसे समाप्त करेंगे। तो देखा स्टूडेंट्स कैसे बड़े आसान ट्रिक्स का यूज करके बिना टेंस का ज्ञान हुए हम इन वाक्यों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। आशा करते हैं आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, ताकि दूसरे बच्चे, दूसरे स्टूडेंट्स भी हैं वो इस वीडियो को देखकर
आप ही की तरह लाभ उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।